दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये प्रूफ देख लें, यहाँ पर आप लोगों को डोरेमोन कार्टून का जो ऑफिशियल चैनल है उसके अलावा कितने ही चैनल्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे और यहाँ पर आप लोगों को डोरेमोन कार्टून ही कार्टून नजर आ रहे होंगे। अब यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल बनता है कि क्या इनका चैनल मोनेटाइज है या नहीं मोनेटाइज, क्या इनका चैनल मोनेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता, और दूसरा सवाल आप लोगों का ये बनता है कि क्या इनकी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है या नहीं आ सकती, क्या इनकी वीडियोज पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है या नहीं आ सकता। तो जनाब इस बात की आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो में प्रूफ के साथ दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, जिस तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो को एडिट करने का तरीका सिखाऊंगा, उन तरीकों पर आप लोगों ने अमल करना है, तो फिर कोई भी माइक लाल आप लोगों की वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेज सकता और ना ही आप लोगों के चैनल को मोनेटाइज होने से रोक सकता है। लेकिन वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले मैंने जो पिछली वीडियो में आप लोगों से वादा किया था, सबसे पहले मैं वो वादा पूरा करना चाह रहा हूं। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने ये जो चैनल आप लोग देख रहे हैं, इस भाई ने मुझे 6 से 7 कमेंट किए हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि जो बंदा भी मेरी वीडियो पर 3 अच्छे अच्छे कमेंट करेगा उसके चैनल की मैं प्रमोशन करूंगा, तो मेरे ख्याल से आज का विनर ये भाई बनता है क्योंकि इन्होंने मुझे 7 कमेंट किए हैं। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस भाई को जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस को आप लोगों ने लाइक करना है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के चैनल की प्रमोशन करूं, तो आप लोगों के लिए भी यही टास्क है कि ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आप लोगों ने 3 अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। जो बंदा विनर होगा इंशाल्लाह उस चैनल की प्रमोशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अब बात कर लेते हैं आज के कंटेंट के हवाले से। दोस्तों अगर आप लोग मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोगों की वीडियो पर कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी और ना ही कभी भी कॉपीराइट क्लेम आएगा। अगर आज की इस वीडियो को आप लोग स्किप करेंगे या स्किप कर करके देखेंगे तो नुकसान आप लोगों ने अपना ही करना है, किसी का कुछ नहीं जाना। बकायदा वीडियो का आगाज करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग इन वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। और हां दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को एक और चीज क्लियर करता चला जाऊं कि मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकता हूं, समझा सकता हूं, मोटिवेट कर सकता हूं और प्रैक्टिकल करके सिखा सकता हूं, बाकी मेहनत आप लोगों ने करनी है और रिजल्ट देने वाली अल्लाह पाक की जात है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने YouTube को ओपन करना है। YouTube को ओपन करने के बाद आप लोगों ने सर्चिंग बार पर सर्च करना है डोरेमोन कार्टून्स इन हिंदी। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसको सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि हजारों चैनल्स ओपन हो जाएंगे जहां पर आप लोगों को डोरेमोन कार्टून्स ही कार्टून नजर आएंगे। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने लाइव प्रूव करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके और आप लोगों को यकीन आ सके। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि जो कोई भी चैनल आप लोग देखेंगे वहां पर आप लोगों को डोरेमोन कार्टून्स ही कार्टून्स नजर आ रहे होंगे और जिस भी किसी चैनल को आप लोग ओपन करके देखेंगे उनके हजारों में नहीं बल्कि लाखों में आप लोगों को सब्सक्राइबर्स भी नजर आएंगे। फर्ज किया दोस्तों इनमें से मैं किसी भी एक चैनल को अभी आप लोगों के सामने ओपन करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को इस बात का भी यकीन आ सके। फर्ज किया इस वाले चैनल को हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों मैंने इस चैनल को ओपन किया तो आप लोगों के सामने है कि इस बंदे के 1,13,000 सब्सक्राइबर्स हैं और अभी तक इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 180 वीडियोज अपलोड की हैं। अब इसकी जो पॉपुलर वीडियोज हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसकी पॉपुलर वीडियोज पर कितने व्यूज आ रहे हैं। दोस्तों अगर तो ये ऑफिशियल चैनल होता, ये जो आप को लेटेस्ट वीडियोस नजर आ रही हैं इनमें आप लोगों को 100 में या हजारों में व्यूज नजर नहीं आ रहे होने थे बल्कि यहां पर आप लोगों को मिलियंस में व्यूज नजर आ रहे होने थे। लेकिन फिर भी ये देखिए दोस्तों इस बंदे ने 5 मंथ पहले एक वीडियो अपलोड की है, उस पर 1.6 मिलियन व्यूज इस बंदे ने हासिल कर लिए हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों इस बंदे ने 8 लाख व्यूज हासिल कर लिए हैं। इसके नीचे आप लोग दोस्तों आते जाएंगे तो आप लोगों को 100 में नहीं बल्कि हजारों में ही व्यूज नजर आएंगे। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस चैनल का अर्निंग प्रूफ भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को यकीन आ सके कि ये चैनल मोनेटाइज है या नहीं मोनेटाइज। मोनेटाइज तो दूर की बात, आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि ये चैनल तो वेरीफाई भी हो चुका है, आप लोगों को यहाँ पर टिक भी नजर आ रहा होगा। अब आप लोग अर्निंग प्रूफ भी देख लें, आप लोगों के सामने है कि इस चैनल पर 1,13,000 सब्सक्राइबर्स हैं, इस बंदे ने अभी तक 180 वीडियोस अपलोड की हैं और पर वीडियो ये बंदा $98 कमा रहा है। अभी तक इस बंदे ने कितने डॉलर कमा लिए हैं वो भी आप लोगों के सामने है। $98 पर वीडियो कितने बनते हैं ये भी मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। आप लोगों ने गूगल को ओपन करना है, सर्चिंग बार पर आप लोगों ने सर्च करना है $98 टू PKR। जैसे ही दोस्तों आप लोग ये सर्च करेंगे तो मजीद दूध का दूध और पानी का पानी आप लोगों के सामने हो जाएगा। ये बंदा पर वीडियो 27,960 रुपए कमा रहा है। दोस्तों इतने पैसे आप लोग भी कमा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान सा काम है। अब आप लोगों ने नॉन कॉपीराइट वीडियोस कहां से डाउनलोड करनी है
किस तरीके से आप लोगों ने एडिट करनी है और किस तरीके से आप लोगों ने अपने चैनल पर जाकर अपलोड करनी है, अब वो तरीकाकार आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नॉन कॉपीराइट वीडियोज आप लोगों ने कहाँ से डाउनलोड करनी है और कैसे करनी है। सिंपली दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने गूगल को ओपन करना है। जैसे ही आप लोग गूगल को ओपन करेंगे तो सर्चिंग बार पर आप लोगों ने सर्च करना है डोरेमोन कार्टून्स नॉन कॉपीराइट वीडियोस। जैसे ही दोस्तों आप लोग ये सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहां पर जो आप लोगों को पहली वेबसाइट नजर आ रही है, आप लोगों ने पहले वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि यहां पर आप लोगों को हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, जिनको डाउनलोड करने के बाद, एडिट करने के बाद आप लोग इजीली अपने चैनल पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। आप लोगों की वीडियोस पर किसी भी किस्म का कॉपीराइट नहीं आएगा और ना ही आप लोगों का चैनल मोनेटाइज होने से कोई रोक सकता है। लेकिन एडिट वीडियो को किस तरीके से करना है वो अभी मैं तरीकाकार आप लोगों को समझा देता हूँ। जिस तरीके से मैं समझाऊंगा उसी तरीके से आप लोगों ने अपनी वीडियो को एडिट करना है। अब आप लोगों ने सिंपली दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर तीन डॉट नजर आ रहे होंगे, आप लोगों ने थ्री डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड की ऑप्शन नजर आ रही होगी। सिंपली दोस्तों आप लोगों ने डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ऊपर देखें आप लोगों के सामने है कि आप लोगों की फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। जैसे ही दोस्तों मैं डिटेल पर क्लिक करूंगा तो मजीद दूध का दूध और पानी का पानी आप लोगों के सामने हो जाएगा कि आप लोगों की फाइल यहां पर डाउनलोड हो रही है। चंद ही सेकंड्स के बाद यहां पर आप लोगों की फाइल डाउनलोड होकर आप लोगों की गैलरी में चली जाएगी। अब आप लोगों ने इस वीडियो को एडिट किस तरीके से करना है वो तरीकाकार आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि जो वीडियो अभी हम लोगों ने डाउनलोड की थी उसको मैं इनशॉट पे ले आया हूँ। आप लोग जिस भी एप्लीकेशन पर या फिर सॉफ्टवेयर पर वीडियो को एडिट करते हैं आप लोगों ने उसका ही यूज़ करना है। मैं इनशॉट का यूज़ करता हूँ तो मैं इस पर वीडियो को एडिट करूँगा। एडिट करने का तरीका बहुत ही आसान है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को एडिट करना सिखाऊंगा उसी तरीके से आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने अपनी मनमानी नहीं करनी। अगर आप लोग अपनी मनमानी करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को गारंटी नहीं देता कि आप लोगों की वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो इसका इंट्रो है, फर्स्ट वाला पार्ट है, उसको आप लोगों ने डिलीट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को नंबरिंग भी नजर आ रही होगी, इस हिस्से को आप लोगों ने रिमूव करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक वेबसाइट भी नजर आ रही होगी, जहां जहां भी आप लोगों को इस तरह की वेबसाइट नजर आए या फिर आप लोगों को नंबरिंग नजर आए उन चीजों को आप लोगों ने कट करते जाना है। इस वीडियो को मजीद आगे करके देखते हैं कि कहीं और तो नहीं इस तरह की वेबसाइट है। अगर नहीं है तो फिर समझो हमारी वीडियो बिल्कुल रेडी है। मेरे ख्याल से दोस्तों आगे कहीं पर भी नहीं है तो पिछले हिस्से को हम कट कर लेंगे। फर्ज किया दोस्तों इतने हिस्से को हम कट कर लेते हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास वेबसाइट थी, इतने हिस्से को हम लोग रख लेते हैं। आप लोगों ने सिंपली दोस्तों यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों ने फ्रंट वाला जो हिस्सा था यानी कि जो इंट्रो था उसको आप लोगों ने यहां पर क्लिक करके रिमूव कर लेना है। ये देखिए दोस्तों फर्स्ट वाले हिस्से को मैंने रिमूव कर लिया है। अब जो बाकी वीडियो है उसको आप लोगों ने एडिट किस तरीके से करना है वो अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए। अब ये देखिए दोस्तों यहां पर आप लोगों को इस वीडियो का लोगो नजर आ रहा होगा, आप लोगों ने इस वीडियो का जो लोगो है उसको आप लोगों ने रिमूव करना है। रिमूव किस तरीके से करना है आप लोगों ने दोस्तों यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने इस वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेना है। ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने इस वीडियो को जूम किया जो लोगो आप लोगों को नजर आ रहा था वो लोगो यहां पर रिमूव हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने एडिट करनी है। अब सिंपली दोस्तों आप लोगों ने इसकी जो स्पीड है उसको हाई कर लेना है। जितनी स्पीड मैं हाई करूंगा उतनी ही दोस्तों आप लोगों ने इसकी स्पीड हाई कर लेनी है। ये देखिए दोस्तों मैंने 1.3 पर इसकी स्पीड रख दी है, आप लोगों ने भी इसकी स्पीड 1.3 पर ही रखनी है। इतनी स्पीड करने के बाद आप लोगों ने टिक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग टिक पे क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों जो इसका वॉल्यूम है वो आप लोगों ने थोड़ा सा कम कर लेना है। जिस तरीके से मैंने इसका वॉल्यूम कम कर लिया है इसी तरीके से आप लोगों ने भी इसका वॉल्यूम कम कर लेना है। उसके बाद सिंपली दोस्तों आप लोगों ने इसकी कलरिंग करनी है, आप लोगों ने फिल्टर पे क्लिक करना है। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने एडजस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग एडजस्ट पे क्लिक करेंगे यहां से अब आप लोगों ने इसकी कलरिंग कर लेनी है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को काम करना सिखा रहा हूं इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों ने इसकी कलरिंग करनी है। फुल कलर आप लोगों ने इसका चेंज कर देना है। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने लाइव प्रूव करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ
जा सके। जिस तरीके से दोस्तों मैंने इस वीडियो को एडिट कर लिया है, इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। वीडियो को एडिट करने से पहले वीडियो का कलर ये वाला था, जैसे ही हमने इस वीडियो को एडिट कर लिया है तो इसका कलर दोस्तों इस तरह का बन गया है। उसके बाद आप लोगों ने टिक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग टिक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने इसमें से थोड़े थोड़े पार्ट कट करते जाना है। फर्ज क्या, ये देखिए दोस्तों आप लोगों की वीडियो यहाँ पर 7 मिनट की है, आप लोगों ने यहाँ पर 5 मिनट की इस वीडियो को ले आना है। 5 मिनट की वीडियो आप लोगों ने कैसे बनानी है वो तरीकाकार आप लोग समझ लीजिए। फर्ज क्या दोस्तों, यहाँ से हम इतने हिस्से को थोड़ा सा कट कर लेते हैं, आप लोगों के सामने है कि आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक साइन नजर आ रहा होगा, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोगों ने कोई भी एनिमेशन सेलेक्ट कर लेनी है। फर्ज क्या दोस्तों, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो साइज है वो हम लोग बढ़ा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है, मैं अभी आप लोगों को वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इतने हिस्से को हम लोगों ने कट किया था और यहाँ पर हम लोगों ने एनिमेशन का इस्तेमाल किया था। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी वीडियो को एडिट करना है, 4 चांद लगवाने हैं। उसके बाद फिर आप लोगों ने आगे बढ़ते जाना है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पर फिर हिस्से को कट कर लेना है। जैसे ही इतने हिस्से को हम लोगों ने कट कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से पकड़ना है और इसका साइज थोड़ा सा आप लोगों ने कम कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से कोई भी एनिमेशन लगा लेनी है। फर्ज कि हम ये वाली लगा लेते हैं। जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप लोगों ने इसका साइज भी बढ़ा लेना है, ठीक है दोस्तों। जिस तरीके से मैंने इसका साइज बढ़ा लिया है, उसी तरीके से आप लोगों ने काम करना है। अभी मैं आप लोगों को प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी वीडियो को एडिट करना है, 4 चांद लगाने हैं। आप लोगों की वीडियो का वॉल्यूम भी मैंने कम कर लिया, इसकी जो कलरिंग है वो भी हम लोगों ने कर ली, इसकी जो स्पीड है वो भी हम लोगों ने हाई कर ली। अब जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आप लोगों ने लगाना है। बैकग्राउंड म्यूजिक दोस्तों आप लोगों ने नॉन कॉपीराइट डाउनलोड करना है, वो भी तरीकाकार आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आप लोगों ने गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद सर्चिंग बार पर आप लोगों ने सर्च करना है किड्स कार्टून नॉन कॉपीराइट म्यूजिक। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसको सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। आप लोगों ने पहले वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने मजीद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने ये इंटरफेस ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप लोगों को जितने भी ये म्यूजिक मिल रहे हैं ये किड्स कार्टून्स के रिलेटेड हैं और ये नॉन कॉपीराइट हैं। यहाँ से आप लोगों ने कोई भी एक म्यूजिक डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद सिंपली दोस्तों आप लोगों ने बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद फिर आप लोगों ने इनशॉट को ओपन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। जो हम लोगों ने म्यूजिक डाउनलोड किया था उसके बाद आप लोगों ने म्यूजिक पे क्लिक करना है, फिर आप लोगों ने म्यूजिक पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों ने माई म्यूजिक पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो म्यूजिक हम लोगों ने वहां से डाउनलोड किया था वो म्यूजिक यहाँ पर आ चुका है। सिंपली दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का म्यूजिक भी यहाँ पर आ चुका है। इसका जो म्यूजिक है दोस्तों वो आप लोगों ने थोड़ा सा हाई रखना है, जो इसकी ओरिजिनल आवाज है वो कम होनी चाहिए और जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है उसकी आवाज थोड़ी सी हाई होनी चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने इसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा हाई कर लेना है। वॉल्यूम को हाई करने के बाद देखें दोस्तों आप लोगों की वीडियो को 4 चांद लग चुके हैं, आप लोगों की वीडियो मुकम्मल तौर पर एडिट हो चुकी है। अब आप लोग सोच रहे हो कि आप लोगों की वीडियो तो ज़्यादा लंबी है लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोगों ने लगाया है वो छोटा है, तो दोस्तों इसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को डुप्लीकेट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सिंपली दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें दोस्तों आप लोगों का जो म्यूजिक था वो यहाँ पर डबल हो चुका है, यानी कि आप लोगों का म्यूजिक बढ़ चुका है। अभी भी देखें दोस्तों आप लोगों की वीडियो 7 मिनट की है, ये म्यूजिक यहां पर 5 मिनट पर लगा हुआ है, इसको दोबारा फिर हम डुप्लीकेट करेंगे। जैसे ही हमने इसको फिर डुप्लीकेट किया तो आप लोगों की वीडियो पर ये मुकम्मल म्यूजिक लग चुका है, आप लोगों के सामने है। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट वाला पार्ट होगा इस वीडियो का वो भी आप लोगों ने कट कर लेना है। जिस तरीके से मैं कर रहा हूं इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को एडिट करना है। ये देखिए दोस्तों अब आप लोगों की वीडियो को 4 चांद लग चुके हैं, आप लोगों की वीडियो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है। अब सिंपली दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को ऊपर सेव का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप लोगों ने सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की वीडियो यहां पर सेव होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों इतना आसान सा काम है कि इस काम को छोटे से छोटा बच्चा भी कर लेगा और आप लोग भी आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, आज का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है और शेयर भी लाजमी करना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग इन वीडियो से फायदा हासिल कर सके। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कौन खुशकिस्मत है जिसकी मैं प्रमोशन करूंगा। आप लोगों ने नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट लाजमी करने हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।